मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाला मामले में सेक्रेटरी मनीष किरियन को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप एस ए डैनियल, एरिक पीनाथ और मनीष गिडियन पर आरोप है कि उन्होंने चर्च की जमीन बेचकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। लीज लैंड बेचकर करीब 8 करोड़ रुपए का घपला कर शासन को क्षति पहुंचाने और सोसाइटी के लोगों से चर्च निर्माण के नाम पर चंदा वसूलने जैसे गंभीर आरोप भी तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध लगे हैं। ईओडब्ल्यू निरीक्षक मंजीत सिंह के अनुसार मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप एम ए डैनियल और एरिक पीनाथ एवं मनीष गिडियन पर आरोप है कि इन्होंने लीज की जमीन का सौदा करके 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी के लोगों से चर्च निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का चंदा भी वसूलने के आरोप है। इस मामले की भी जाँच की जा रही है। पीली कोठी से संबंधित इस मामले में आरोपी बनाए गए मनीष गिडियन को न्यायालय में पेश किया गया है और बिशप एम ए डैनियल और एरिक पीनाथ की तलाश की जा रही है। ये मामला मेथोडिस्ट चर्च से संबंधित जमीन का है जो जबलपुर में तयोली पेट्रोलियम के सामने पीली कोठी के नाम से फेमस है। ये जमीन शासन ने इनको लीज पर दी थी। 2002-03 में लीज समाप्त हुई थी तो उस समय इनके द्वारा लीज रिन्यू के लिए आवेदन लगाया गया था। तब इनको बताया गया था कि आपके जो पूर्व का भू भटाक की जो राशि आपकी शेष है 7,62,00,000 रुपया वो जमा करें और जो आपका फिर नई लीज बनेगी उसको आप रजिस्टर्ड कराएंगे टैक्स दे के तभी मानी जाएगी। परंतु बाद में इनके द्वारा मिली भगत करके वो लीज़ को रिन्यू करा लिया गया और वो 7,62,000 रुपये भी जमा नहीं किए गए, 7,62,00,000 रुपये जमा नहीं किए और जो लीज़ रिन्यू कराई उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसका भी टैक्स इनके द्वारा नहीं भरा गया। मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा चर्च बनाने के नाम पर समाज के लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया गया और वो पूरा पैसा खा गया। इसकी एक शिकायत एक व्यक्ति द्वारा हमको दी गई कि साहब इस प्रकार से ये लोगों का पैसा गबन कर रहे हैं और चर्च बनाने के नाम पर, तो उस व्यक्ति को मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गए और धमकी दी और शिकायत वापस लेने को उस पर जोर डाला और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद फिर हम एक्शन हमको करना पड़ा। ईओडब्ल्यू के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया भी था जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने तत्काल कार्यवाही की। और वहीं गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू ने मनीष गिडियन को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मनीष की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।